जय बाबा बर्फानी जी, भूखे को अन्न और प्यासे को पानी। बाबा जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय। बोले बाबा जी की। अच्छा, बोले जी की, राजेश जी बोल रहे हैं? हाँ जी। बाबा जी, हम तो हमारा नाम है सुब्रत गुप्ता, वेस्ट बंगाल से बोल रहे हैं। आपका ग्रुप के साथ हम ऐड है। हमारा एक समस्या होता है जो हमारा ट्रेन तो जम्मू से पहुंचेंगे सुबह 9 बजे, आपका जम्मू से निकल जाएंगे 6 बजे उधमपुर में। तो हम आपके साथ मिलेंगे कैसे, मीट करेंगे कहाँ पर? उधमपुर से ना जम्मू से? जम्मू से तो आप निकल जाएंगे उधमपुर में, तो हम मीट करेंगे कैसे? सर 9 बजे तो हम उधमपुर से भी निकल जाएंगे। 9 बजे से उधमपुर से निकल जाएंगे। पहले हम कहाँ पर मिलेंगे, पहलगांव से? पहलगांव मिलने का क्या फायदा? पहले अब हम कहाँ पर मिलेंगे? अब हमारा जो है, हमने जो वीडियो बनाई थी ना पहले समिति के साथ, उसमें यही बताया था तो अब हमें दिल्ली मिल जाओ। दिल्ली? मेरी दिल्ली मिल जाओ या जम्मू मिल जाओ या उधमपुर मिल जाओ। उधमपुर टाइम हमारी ट्रेन पहुंच रही है, उसके बाद हमें 1 घंटा लग जाता है बसों में, आधा घंटा सामान वामान रखने में। लेकिन हमारी कोशिश ये रहती है कि जितना जल्दी निकला जाए उतना सही है। कारण है कि आगे रास्ते में कहाँ रोक दिए जाएंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं होता ना। तो ये रहती है कि जितना जल्दी निकला जाए उतना सही है। और ये सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जिन लोगों के लिए हम बसेस बुक करते हैं पूरी ट्रिप, उनके लिए हम कैप, आई कार्ड, उनके बैग पे लगाने के लिए टैग वगैरह देते हैं हम। कभी बस में बैग मिस ना हो जाए, क्योंकि बस में बहुत सारे यात्री बैठे हैं तो किसका बैग है किसका नहीं है हमें पता रहे। टोपियां इसलिए देते हैं कि रास्ते में बंदा कहीं वॉशरूम उतरा है ना, और किसी भंडारे में खाना खाता रह गया, बस से रह गया, तो आई कार्ड। अगर आप पहलगांव मिलेंगे तो पहलगांव तो सभी यात्री साथ में यात्रा करेंगे, तो जुलना तो वो तो फिर इतने सारे यात्री होंगे वहां, तो आप साथ में यात्रा कर सकते हैं। उसके बाद फिर टेंट का भी रहता है कि जिन लोगों की हमने बसें बुक की हैं या जो लोग हमारे साथ आ रहे हैं दिल्ली से, उनके लिए पहले हम टेंट अरेंजमेंट कराए अपने साथ ना। ग्रुप हमारा वही होता है जो हमें दिल्ली या जम्मू या उधमपुर मिल जाए। पहलगांव तो मिलने का कोई वही नहीं है, मतलब ही नहीं है ना। अच्छा अच्छा, कल आपका साथ मिलेंगे? नहीं हाँ जी, आपका साथ कल नहीं। आप जम्मू पहुंचेंगे 9 बजे, 9 बजे आप जम्मू से क्या ट्रांसपोर्टेशन लेंगे कि आप उधमपुर कैसे पहुंच पाएंगे फिर ना, पहलगांव कैसे पहुंच पाएंगे? करो 9 बजे निकलते हैं आप, 10 बजे आपको गाड़ी मिलती है, तो ये रूटीन नहीं है कि आपको पहलगांव उस दिन जाने भी जाएगा या रास्ते में रोक लिया जाएगा है ना। अगर आप पहलगांव पहुंच जाएंगे तो पहलगांव तो हमारा ग्रुप होगा ही, तो वहाँ भेंट कर सकते हैं आपस में ना। तो आपने प्लानिंग, ये आपने यात्रा प्लान देख के प्लानिंग नहीं की थी टिकट की? हाँ, टिकट में प्लानिंग करा, किंतु आपका ट्रेन में तो सब बुक हो गया आपका। उसके अलावा भी 1-2 ट्रेन और हैं जो हमारी ट्रेन से पहले पहुंच रही हैं उधमपुर ना, या जम्मू पहुंच रही है। ऐसे कुछ यात्रियों को कॉल आया था मेरे पास, उन्होंने दिल्ली का करवा लिया है। दिल्ली करवा के उन्होंने स्लीपर में RAC या कुछ और ट्रेन है, क्योंकि देखिए आप जम्मू पहुंच जाएंगे ना, तो जम्मू के आगे तो फिर रास्ता बहुत कम है, तो आप मतलब खड़े होके भी बोगी में चढ़ के भी पहुंच सकते हैं ना। कुछ ट्रेनें भी हैं उधमपुर के लिए, पीछे जो जितनी देर ट्रेनें माता वैष्णो देवी जाती हैं उधमपुर होके जाती हैं। सर बात आप देखो क्या करेंगे, आप कोई 12 बजे, अब मेरा तो हमारा तो पूरा ग्रुप है, हम ग्रुप के लिए टाइम चेंज नहीं कर सकते किसी एक यात्री के लिए। नहीं 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 नहीं, 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 है ना। तो यही है कि काफी सारे यात्री हैं, तो हमारा तो हमने तो इस बार बस का भी ऑप्शन ये रखा कि वन साइड का ना करें। कुछ लोग यात्री होते हैं कि वन साइड जाते हैं, तो हमारा तो हो सकता है कि वन साइड का भी ना रखें, क्योंकि वन साइड में दिक्कत आती है बाद में, यात्री वहां से फिर बस का, फिर वो यात्री कहीं पहले ही चले गए तो ये दिक्कत आती है। ठीक है, क्या करेंगे, हम तो समझ नहीं, हमका आपका साथ जाना है वो तो आशा करता है, तो क्या करेंगे हम समझे नहीं कि क्या करेंगे हम, कुछ नहीं। टिकट की कैंसिल कर दीजिए। अब देखो सर, जम्मू आपकी ट्रेन 9 बजे पहुंच रही है ना, बाई चांस ट्रेन लेट होगी आपकी तो 10-11 बज जाएंगे, है ना, तो होता ही है ना, वही होता है। और उसके बाद आप ये मान के चलिए कि बस की बात कर रहे हैं हम, तो बस में आप, बस में तो हमारे साथ जाएंगे नहीं ना, वापिस आएंगे हमारे साथ बस में ना,
ठीक है। और हाँ। हमारा जो समिति का जितना भी हमारा डोनेशन होता है, उस डोनेशन से हम यात्रियों के लिए कैप, आई कार्ड, बैग टैग वगैरह बनाते हैं, है ना। अब पहलगांव में तो आप ये मान के चले कि पहलगांव में तो 5,000-6,000 यात्री आपके साथ मिल जाएगा। बूढ़े वाले जितने यात्री होते हैं सब कैप मांगते हैं। तो हमारा ऑप्शन, ये कोशिश ये रहती है कि जो यात्री बस में है साथ में, पूरा ट्रिप करके हमारे साथ उधमपुर वापिस आएंगे, उनके लिए हम ऐसा करते हैं कि ताकि, क्योंकि एक यात्री भी हमारा पीछे रह गया बस में तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी ना, या नीचे नहीं आएगा टाइम से, तो ये दिक्कत रहती है। अच्छा हाँ जी, बाकी तो अगर आप पहलगांव पहुंचेंगे तो पहलगांव में भेंट हो जाएगी, और क्या कर सकते हैं, टाइम से पहलगांव से आपका भेंट हो जाएगा। हाँ, पहलगांव से हो जाएगा भेंट, क्योंकि पहलगांव से सुबह सुबह यात्रा स्टार्ट करेंगे तो वहाँ साथ में चल सकते हैं। हमारे लिए सब यात्री बराबर ही है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हाँ, जो बस में आए हैं उनकी थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बन जाती है, पहले साथ में आए हैं तो उनके लिए टेंट वेंट और सब करने का। आपका साथ टेंट के मिलेंगे? मेरे पास टेंट वालों के नंबर है, पहलगांव पे मिल जाएंगे आपको टेंट वाले का नंबर, शेरनाथ पे भी दे दूंगा और बाबा जी गुफा पे भी। सारे ही बंदे, दोनों बंदे पहलगांव और गुफा पे तो मेरे अपने ही बंदे हैं, और शेषनाथ का मैंने मांगा है बंदे से नंबर, तो आप उनसे जाके मिलके अच्छा टेंट बुक कर सकते हैं। मतलब आपका एक काम कीजिए, ठीक है, पहले टेंट का नंबर दीजिए हमको। मैं आपको ऐसे पर्सनली, मैं वीडियो ही बनाऊंगा ना ग्रुप पे, वीडियो बना के डाल दूंगा सभी टेंट वालों, काफी लोग टेंट का नंबर मांग रहे हैं, तो उन्होंने की बात पोस्टपेड सिम लेनी है जो इस बार की यात्रा में काम करेगी, तो मैं आपको वही नंबर दूंगा। और इसके बाद उनको दुकानों के नंबर भी मिलने हैं ना, कि क्या कौन सी दुकान होगी, कौन सा टेंट नंबर होगा, तो बाई चांस उसका फोन नहीं मिला तो आप जाके सीधे जाके दुकान पे जाके पूछ सकते हैं कि रफीक भैया कहाँ है या आदिल भैया कहाँ है ना। सारी कंप्लीट वीडियो मैं यात्रा से पहले बना दूंगा, अभी तो आपको टेंट बुक करने का फायदा नहीं है ना कोई, तो यात्रा के टाइम पे ये सब कुछ, ठीक है। आप कितने लोग हैं? हम एक ही आदमी है। कोई बात नहीं, पहलगांव में फिर आप आ जाना, पहलगांव मिल लेना आप ना, फिर जब से कैसे भी करके, लेकिन पीछे रह जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी फिर, है ना। पहलगांव से मिलेंगे पहले, ठीक है। हमारा नाम है सुब्रत गुप्ता, ठीक है। जय हो। बाबा बर्फानी जी के सभी प्यारे भक्तों को ओम नमः शिवाय।